नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइफ सविता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ दाल जो बच जाती हमारे घर में, उससे ये पराठे बनाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते खाने में। कई बार होता है कि दाल घर पर एक्स्ट्रा बच जाती है, एक कटोरी तो लगभग बच ही रहती है, तो उससे ये पराठे बनाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही पसंद भी आते हैं सभी को। झटपट से बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही नाश्ता बन जाता है सुबह के टाइम। मॉर्निंग में आप इसे बना सकते हैं। यदि आपके पास रात की बच गई है तो उसे आप फ्रिज में रख दें, सुबह के टाइम इसे बना लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पराठे बनते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने ये दाल ली है, मेरे पास एक कटोरी दाल है। तो यहाँ पर हम गेहूँ का आटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। अभी इसमें यहाँ पर नमक डाल देंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच, और आधा चम्मच से कम इसमें 2 पिंच यहाँ पर इसमें हम हल्दी डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे, कटा हुआ प्याज डाल देंगे, कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इसमें, और इसे हाथों से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दाल डालकर इसको अच्छी तरह से यहाँ पर गूंथ लेंगे। तो पहले हम दाल को इसमें डाल देंगे, यदि ज़रूरत होगी तो हम पानी बाद में डालेंगे। पहले हम दाल को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसमें बिल्कुल पानी का यूज नहीं हुआ है, दाल से ही मैंने ये आटा लगा लिया है। अभी यहाँ पर देखिए आटा हमारा लग चुका है, तो अभी इस पर थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे या फिर आप तेल लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से लगाकर इसको हम मसल लेंगे। यकीन मानिए इतने अच्छे पराठे बनते हैं कि बहुत ही अच्छे बनते हैं, सभी को पसंद आते हैं। और वैसे भी दाल एक्स्ट्रा बची रहती है तो उससे आप ये बनाकर जरूर देखिए, एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम इस प्रकार हम लोई तोड़ लेते हैं आटे की, और यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे, जैसे रोटी बनाते हैं नॉर्मल वैसे ही हम बना लेंगे इसके। तो यहाँ पर इसको हम बेल लेते हैं बेलन की सहायता से। वैसे आप इसके जैसे मोटे पतले जैसा भी चाहें पराठे आप बना सकते हैं, किसी भी शेप के बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली बना रही हूँ, जैसे रोटी बनाती है ना वैसे ही मैं इसको बना रही हूँ। तो यहाँ पर गैस पर मैंने तवा भी रख दिया है जो कि गर्म होने लग रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बना लेते हैं पराठे। वैसे मैंने कई वीडियो बनाई है बची हुई दाल की, और भी रेसिपी बनाई, जैसे इडली वगैरह भी बनाई है मैंने, बची हुई खिचड़ी से, दाल से, कई तरह की वीडियो बनाई है मैंने, वो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे आई बटन पर जा कर के। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें तवे पर डाल दिया है। अभी यहाँ पर इस पर घी लगा लेंगे। आप तेल भी लगा सकते हैं, जो आप यूज़ करते हैं खाने में वो आप लगा लें। तो यहाँ पर इस पर घी लगा लेंगे, दोनों साइड से अच्छी तरह से यहाँ पर इसको गोल्डन होने तक पका लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पका लेना है। तो देखिए, एक साइड से तो बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। देखिए, ये पककर तैयार हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरा भी डाल दिया तवे पर, इस पर भी हम घी लगाते हैं दोनों साइड, और अच्छी तरह से इसको गोल्डन होने तक पका लेते हैं। आप इसे मॉर्निंग के टाइम बना सकते हैं, बच्चों को भी आप इसे जैसे लंच में दे सकते हैं, टिफिन बॉक्स में डालकर, बहुत ही खुश होकर खाएंगे बच्चे। और वैसे भी दाल तो बहुत ही हेल्दी होती है, तो आप इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा। वैसे देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों साइड से इस पर घी लगाकर अच्छी तरह से यहाँ पर गोल्डन होने तक पका लिया, देखिए इस तरह से। तो सारे पराठे इसी तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। तो यहाँ पर अभी चलिए सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे दही के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।